मुल्क सोता हो लेकिन सरहद जागती है, नींद में चलते चलते अक्सर भागती है। सरहदों को रोकने के लिए बिछाए जाते हैं कटीले तार, बारूदी रास्तों पर बूट करते हैं कदम ताल, चौकस चौकन्ने। सरहदों के कंधे भी करते रहते हैं धींगा मुश्ती, पानी की शतरंज पर बिसात बिछी हुई है, झील के गिर्द जमा है आग। हवा में मंडरा रहे हैं सवाल, पीठ पर सवार बेताल सुना रहा है बेसुरी मौतों की कहानियां, वो कहानियां जिनसे सबक लेने को तैयार हो रही है सरहद। लेकिन कुछ बोलते ही फिर से उड़ जाएगा ये आग उगलता बेताल और जा बैठेगा उसी मुर्दा पेड़ पर, जहां खत्म हो जाती है भाषा वहां से शुरू होती है युद्ध की कविता। सरहद पर गिरा ताजा खून भूलता नहीं है देश, समय की स्मृति में कुरेद कर दर्ज किए गए नाम जागते रहते हैं बरसों बरस, एक एक नाम भरने के लिए कई कई जिंदगियां तैयार रहती हैं हर वक्त। सरहद पर जाने को तैयार होते झुंड के झुंड नाम फर्राटे भर रहे होते हैं हर सुबह। जंग के मुहाने पर बैठी दुनिया की उम्र सोखता जा रहा है लोहा, पानी के भीतर सुलग रहे हैं बारूदी सवाल, बख्तरबंद जवाब चल पड़े हैं पहियों पर, सरहद पर तन गई हैं बंदूकें, सवालों से तने हुए हैं पहाड़ और उस पर तनी है चादर आसमान की, जैसे आधी रात को आया कोई ख्वाब है डरावना सा, अभी नींद खुलेगी और चादर हटाकर चेहरे से भर लेंगे फेफड़ों में ताजी हवा, शुरू करेंगे नया दिन नए सवालों और नए जवाबों के साथ। तने हुए पहाड़ हमारे कानों में हौले से फुसफुसा कर कहेंगे, कभी हार मत मानना, कभी हार मत मानना। वही शायद सच्ची जीत का दिन होगा। अगर आप भी तस्वीर सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो tasveer.lallantop@gmail.com पर अपनी हाईरिस तस्वीरें भेजें। तस्वीरों के साथ चाहें तो अपने लिखे शब्द या कोई कविता भी भेज सकते हैं। आपकी भेजी गई तस्वीरों की थीम कॉमन होगी तो उसके तस्वीर में दिखने की संभावना अधिक होगी।